वो ये बात जानती है राहुल कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो और वो भी तुमसे बहुत प्यार करती है, वरना तुम्हारा ये सच वो दुनिया से क्यों छुपा कर रखती? ये मेरा वादा है, राहुल को मानवी से अपने प्यार का इजहार नहीं करने दूंगी। मानवी भाभी के बाबा का फोन आया था, वो कह रहे थे कि उन्हें मानवी भाभी की हर एक चीज वापस चाहिए, मतलब उनके कपड़े, गहने, सब चीजें। यहाँ तक कि वो तो ये भी कह रहे थे कि उन्होंने यहाँ रहते जो चीजें खरीदी थी वो सब भी वापस चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से उन सब पर मानवी भाभी का हक बनता है। भाभी वो हो गया संध्या, बस। मैं कुछ कह नहीं रही तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने तुम्हें इजाजत दी है मेरे ससुराल या मेरे पति के बारे में कुछ भी बोलने की। अरे ये लोग कहाँ चले गए, बिना चाय पिए ऐसे कैसे चले गए? वो जरूरी काम था, चले गए। हाँ लेकिन आपने रोकना चाहिए था ना, इतने अच्छे लोग थे, हमारा हालचाल पूछने हमारे घर आए थे, तो कम से कम चाय नाश्ता करके तो जाते। तो क्या हुआ, क्या बात है? वो लोग हमारा हालचाल पूछने नहीं आए थे और हमारा दुख नहीं बांटने आए थे, वो सब तो एक बहाना था। असल में वो जानने आए थे कि वो हर्ष ने जो लोन लिया था ना बैंक से, वो हम चुकाएंगे कैसे। हर्ष को गुजरे कुछ ही दिन हुए हैं और वो लोग हमसे कर्जे की बातें करने आए थे। धीरे धीरे, अरे हम हैं ना, और इसमें उनका क्या गलती है, वो तो अपना काम कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, उनका कोई दोष नहीं है। तुमको क्या लगता है हम तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकता, ये घर हम संभाल नहीं सकता? अरे वो बोला, बैंक वाला लोग बोला है कि वो इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे हम दे सकता है, तो हम करेगा ना, छोटा मोटा कोई नौकरी ढूंढ लेगा, हमारा म्यूजिक का क्लास है वो शुरू करेगा, हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें चिंता करो ना। हाँ लेकिन हर्ष ने काफी सारा पैसे उठाए होंगे ना, अब इतने सारे पैसे हम कहाँ से इकट्ठा करेंगे? मुझे लगता है कि मैं कहीं काम कर लेती हूँ, किसी सारी शॉप में सेल्स वूमन का काम मिल जाएगा मुझे, तो पैसे इकट्ठा कर लेंगे। क्या बात कर रहे तुम, माथा खराब है जनकी, पागल हो गई हो? तुमको क्या लगता है कि हमारा मजबूरी है, हमारा प्रॉब्लम है तो तुमको काम करने के लिए हम बाहर भेज देगा? नो वे, हम बोल रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सब मैनेज कर लेगा, बस तुम एक बात का ध्यान रखना, ये सब बात मानवी को पता नहीं चलना चाहिए, हाँ वो वैसे ही टेंशन में है, ये सब बात पता चलेगा तो और परेशानी हो जाएगा, ठीक है, उसको मत बोलना। आपने तो मुझे पराया ही कर दिया है ना बाबा, आप तो हमेशा से कहते थे कि आप लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं करते, फिर अगर आज मेरी जगह दादा होते तो क्या उनसे भी आप अपनी प्रॉब्लम छुपाते? अरे नहीं मानवी, हमारा वो मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रहा है बेटा। मैं जानती हूँ बाबा, कल जब आपने मुझे ये कहा कि मैं आज भी इस घर का हिस्सा हूँ, इस घर से जाने से, शादी करने की वजह से रिश्ते नहीं बदलते, मुझे बहुत अच्छा लगा बाबा। लेकिन अगर मैं इस घर का हिस्सा हूँ तो इस घर की तकलीफें भी तो मेरा हिस्सा है ना, अगर आप मुझे मेरी तकलीफों से दूर करके इस घर में लेकर आ सकते हैं तो क्या आपकी परेशानी में मैं आप लोगों की मदद नहीं कर सकती? अगर इस घर के सुख मेरे अपने हैं तो इस घर के दुख भी तो मेरे अपने ही है ना बाबा। आज से मैं इस घर की बेटी ही नहीं, इस घर का बेटा भी हूँ, और आपने दादा से जो भी उम्मीदें की थी मैं वो सारी उम्मीदें पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगी, और आप मुझे मना नहीं करेंगे बाबा। अरे नहीं रोकेगा, हम काहे रोकेगा मानवी, हम कभी तुमको किसी से कम नहीं समझा, लेकिन आज मानवी अगर तुम नौकरी के लिए किसी के सामने हाथ फैलाएगा ना तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसी नौकरी क्यों करनी बाबा जिसके लिए हाथ फैलाना पड़े, मैं ऐसी नौकरी कभी नहीं करूंगी। अगर आज मेरी शादी नहीं हुई होती तो मैं अपने संगीत को पूरा कर रही होती बाबा, जो कि मेरा सपना था, जो कि आपका सपना है, मैं वापस से उस सपने को पूरा करूंगी बाबा, मैं वापस से गाऊंगी, मैं आपका सपना पूरा करूंगी बाबा।
I'm proud of you, beta. Thank you, Baba. Yep. Are you sure? Okay, ठीक है, मैं दिखता हूँ. क्या हुआ डैड? क्या हुआ? ये मुझसे मत पूछ. ये अपनी बीवी को फोन करके पूछ कि क्या हुआ. क्या हुआ मानवी को? वो ठीक तो है ना? हाँ, तेरा प्रॉब्लम पता है क्या है? हर वक्त मानवी मानवी करता रहता है. अभी ये रावल कंपनी से फोन था. तुम्हारी बीवी उनसे काम मांग रही थी. दिस इज टू मच. तुम्हारी बीवी हमारी रिवाइवल कंपनी से काम मांगे तो हमारी रेपुटेशन का क्या होगा? हमारी इज्जत का क्या होगा? उसे फोन करके मना करो कि ये सब बकवासबाजी बंद करे अपनी. वो क्यों मना करूं? I mean, डैड अगर देखा जाए तो मानवी एक टैलेंटेड सिंगर है, और अगर वो अपनी टैलेंट के माध्यम से अपने घर को सपोर्ट करना चाहती है तो देयर इज नो हार्म. और क्या करेगी आप बताओ? आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप. अगर उसे सिंगर बनना है बड़े लेवल का तो उसे बनना चाहिए. शी इज बिकमिंग इंडिपेंडेंट. इट्स अ गुड थिंग. यार प्लीज, ये संत महात्मा वाली बात मेरे सामने मत करो. हमारी सारी इज्जत, सारी रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी अगर वो किसी और कंपनी के साथ गाना गाती है तो. उसमें रेपुटेशन का क्या लेना देना है? राहुल तू पागल हो गया है? बच्चा है, समझ में नहीं आता है? अरे अगर मानवी किसी और कंपनी के साथ गाना गाएगी तो लोगों को ये पता चल जाएगा कि जरूर तुझमें और मानवी में कुछ गलत हुआ है. ये बात बाहर निकल जाएगी. बट डैड, देखा जाए तो ये सही है. ये बात तो सही है कि मैं और मानवी अलग हो गए हैं. एंड इनफैक्ट आप तो तब से यही चाहते थे. वो अलग बात है कि इस बार कॉन्शियस डिसीजन लेके मैंने ही ये कर दिया. एनीवे डैड, मुझे नहीं लगता इससे रेपुटेशन पे कोई फर्क पड़ता है. और अगर लोगों को पता भी चल जाता है कि राहुल मानवी अलग हो गए और वो अपना करियर इंडिविजुअली बनाना चाहती है तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, और ना ही हमें होनी चाहिए. तुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है बेटा. क्योंकि तुझे समझ नहीं है मिस्टर राहुल सबरवाल, आपने जो रेपुटेशन, ये नाम, ये दौलत, ये शोहरत जो कमाई है ना, ये सिर्फ आपका इनपुट नहीं है. टैलेंटेड होना ये सब कुछ नहीं होता है. इस इमेज को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत लोगों का योगदान होता है उसमें, और मैं इसे इतनी आसानी से मिटने नहीं दूंगा. इसलिए मेरा मशवरा है तुमसे, या तो तुम खुद अपनी बीवी को समझा लो, नहीं तो मुझे अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके उसे रोकना आता है. मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा. आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे डैड. मैं क्या कर सकता हूं ये तो अच्छी तरह से जानता है. इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम खुद अपनी बीवी को समझा लो, वरना मुझे क्या करना है ये मैं जानता हूं. यू नो बेटा. ये सारा सिचुएशन बद से बदतर होता जा रहा है. मैंने सोचा था दो दिन दूर रहेंगे तो खुद एक दूसरे को मिस करके वापस साथ आ जाएंगे, लेकिन अब बात बहुत बढ़ गई है. मुझे जल्द से जल्द इसे कंट्रोल करना होगा. मुझे ही कुछ करना होगा. मानवी बेटा, तू एक बार ठंडे दिमाग से फिर से अच्छे से सोच ले. काम के लिए तू जिन कंपनीज को फोन कर रही है ना, वो एक तरीके से तेरे ससुर के विरोधी हुए ना. माँ, मैं राहुल के बारे में या उस घर के बारे में सोच सोच के कब तक काम करने से पीछे हटती रहूंगी? मुझे कहीं ना कहीं काम तो करना ही है ना माँ. और राहुल खुद इन कंपनीज के लिए कॉन्सर्ट में गा चुका है. देखो माँ, सबरवाल्स को छोड़ के कहीं पे भी जाऊंगी, सब उनके विरोधी ही तो है माँ. कम से कम मैं उस कबीर की कंपनी में तो नहीं जा रही ना काम मांगने. वो सब तो मैं समझ रही हूँ बेटा, लेकिन माँ मुझे एक कॉल लेना है. अब मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहती. काम तो करना ही है ना माँ. हेलो. अब जी, मैं मानवी सबरवाल चैटर्जी बात कर रही हूँ. जी सर जी, थैंक यू सो मच. आप मुझे एड्रेस बता दीजिए, मैं पहुँच जाऊँगी टाइम पे. जी जी, थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. मुझे ऑडिशन पे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. अरे नो प्रॉब्लम, आप अपना स्पॉट ले लीजिए. लेट्स स्टार्ट. रेडी? जाइए आप.
हे भगवान, मुझे हर हाल में इस डील को पाना ही होगा। मैं जिस मोड़ पे आज खड़ी हूं, ऐसे मोड़ पे मुझे बाबा की मदद करने के लिए हर हाल में ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। प्लीज मेरी मदद करो भगवान। बस बस, स्टॉप स्टॉप। क्या हुआ सर? मैंने गलत गाया? मैं वापस गा देती हूँ, आप बस मुझे एक मौका और दे दीजिए, मैं पहले से भी अच्छा गा के दिखाऊंगी आपको। मानवी रिलैक्स, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रोका क्योंकि तुमने खराब गाया, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे अब और ऑडिशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत अच्छी सिंगर हो। यानी कि आप मुझे, मैं हमारे नेक्स्ट एल्बम के लिए तुम्हें सेलेक्ट करता हूँ। डोंट वरी मानवी, यू आर हायर्ड, हम तुम्हें साइन करेंगे। कोई बेवकूफी होगा जो इतनी अच्छी आवाज को अपने बैनर में लेने से मना कर दी। मैं अभी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बनवाता हूँ, कल साइन करके हम जल्दी ही तुम्हारे एल्बम पे काम शुरू करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर कॉन्ट्रैक्ट अभी रेडी करो। ओके सर। इन पैसों से दादा का पूरा लोन क्लियर हो जाएगा और फिर भी पैसे बचेंगे, आराम से घर चल सकता है। बाबा ये जान के कितने खुश होंगे, मैं अभी जाके बताऊंगी पापा को। थैंक्स अविनाश, इतने शॉर्ट नोटिस पे तुमने मेरी मदद की। प्लीज यार, सॉरी वगैरह बोलने की जरूरत नहीं है। आई नो जो प्रॉब्लम्स तुम फेस कर रहे हो, आई एम वेरी सॉरी टू नो अबाउट दैट, लेकिन तुम्हारा फ्रेंड होने के नाते दिस इज द लीस्ट आई कैन डू। और वैसे भी अभी मैंने मानवी को गाते हुए सुना, क्या कमाल की आवाज है यार उसकी। ऑनेस्टली अगर तुम ना भी बोलते ना तो भी मैं उसको साइन जरूर करता। शी इज अ फैब सिंगर, देखना वो तुम्हारे जैसी ही स्टार बनेगी। मेरी जैसी नहीं, मुझसे बहुत बड़ी स्टार बनेगी। अविनाश की कंपनी के साथ साइन हो जाएगी तो डैड भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और मानवी को वो कामयाबी हासिल होगी जो वो एक्चुअली डिजर्व करती है। फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएगी तो फैमिली में भी सब खुश रहेंगे। जो दर्द मैंने उसे दिया है उसके बाद इतना तो मुझे करना ही होगा। आई हैव टू मेक दिस हैपन। आओ मानवी। मानवी से बात करके इसके और राहुल के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है मुझे खत्म करने की कोशिश करनी होगी। बैठो ना। कैसी हो मानवी? मैं ठीक हूं मम्मी जी। आपने बुलाया, कोई काम था? मानवी मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूं। घर तो तुम्हारे बिना बिल्कुल बिल्कुल सुना सुना है। तुम रहती थी तो चहल पहल रहती थी, दिल लगा रहता था, लेकिन अब तुम नहीं हो तो मैं जानती हूं मानवी तुम बहुत अपसेट हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी अपसेट होती, बहुत नाराज होती। मुझे तो किस बात का है कि उस दिन जो हुआ मैं उसे रोक नहीं पाई। जो नहीं होना था वो उस दिन हुआ। मानवी मुझे माफ कर देना। नहीं मम्मी जी, आप मुझसे बड़ी हैं, आप माफी मत मांगी। तो क्या तुम सारे बातें भूल के घर वापस आ जाओगी? आ जाओ, चलो वापस घर चलो। नहीं मम्मी जी, मुझसे ये नहीं होगा। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि ये रिश्ता तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? ये शादी में अब कुछ नहीं रखा है? मैं जानती हूँ तुम ऐसा कभी नहीं कह सकती हो। तुमने अब भी राहुल के नाम का मंगलसूत्र पहना हुआ है। मम्मी जी वो बात नहीं है। इस वक्त मेरे घर में
बाबा को मेरी जरूरत है। दादा के जाने के बाद बाबा और माँ दोनों बहुत अकेले पड़ गए। मैं कैसे बताऊँ आपको, इस उम्र में वो घर चलाने के लिए नौकरी ढूंढने की बात कर रहे हैं। मैं उन्हें ऐसे हालात में अकेला नहीं छोड़ सकती मम्मी जी। मैं जानती हूँ कि मैं आपके घर की बहू हूँ, लेकिन इस वक्त मैं अपने बाबा की बेटी होने का फर्ज निभाना चाहती हूँ। मैंने हमेशा एक अच्छी बहू बन के दिखाया, लेकिन अब मुझे एक अच्छी बेटी बनना है, बाबा का साथ देना है। और इसके लिए मैंने एक म्यूज़िक कंपनी में ऑडिशन दिया था मम्मी जी, और मेरा सिलेक्शन हुआ है। और ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट मम्मी जी, इससे मैं अपने माँ बाबा की मदद कर सकती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कभी नहीं बोलूँगी दूर हटो। तुम अपनी माँ बाबा को खुश रखो। और हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये कौन सी कंपनी है जिसके साथ तुमने ये म्यूजिक डील साइन की है? अर्बन रिकॉर्ड्स। अर्बन रिकॉर्ड्स, ये तो बहुत बड़ी और अच्छी कंपनी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू मम्मी जी। बहुत तरक्की करो, बहुत बहुत खुश रहो। अब मम्मी जी वो मैं चलूं? माँ बाबा घर पे अकेले हैं और मैं बोल के आई थी कि मैं जल्दी घर वापस आ जाऊंगी। मैं निकलूं? अर्बन रिकॉर्ड्स। अब आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? कुछ बातें कंफर्म करने आई थी। हो गई। ये स्माइल क्या है? पता चल गया। मैं जानती हूँ राहुल, तुमने मुझसे तो कह दिया कि भूल जाओ, लेकिन खुद तो नहीं भूल पाए ना। मैं जानती हूँ कि तुम अब भी मानवी से प्यार करते हो, उसे कह क्यों नहीं देते? ये सब जो मैं कर रहा हूँ उसको मत बता देना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि मैं कोई हेल्प कर रहा हूँ। अविनाश को उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी है। वो वैसे भी उसे अगर उसे पता लग गया ना मानवी को, तो उल्टा सीधा कुछ कर देगी। और इट्स जस्ट माय वे ऑफ सेइंग सॉरी, ओके? डोंट वरी, उसे बिल्कुल पता नहीं चलने दूंगी। राहुल, जब तुम इतना प्यार करते हो मानवी से, तो उसे बता क्यों नहीं देते अब? मेरा फैसला वही है, ओके? आई एम जस्ट फिक्सिंग सम थिंग्स, कुछ चीजें ठीक कर रहा हूँ उसकी जिंदगी, और कुछ नहीं। एनीवे देन, मैं घर पे मिलता हूँ आपको। परिवार बिखर रहा है। राहुल ने मानवी को घर से बाहर निकाल दिया, और ये मुस्कुराती हुई कहां से आ रही है? कुछ तो हुआ, पता करना होगा। मैडम जी, कोई खुशखबरी है क्या? सॉरी, माफ कीजिएगा, वो आपको मुस्कुराते देखा तो मुझे लगा मानवी भाभी घर आ रही है क्या? बेचारी संध्या, इसको भी मानवी की कितनी चिंता है। फिलहाल तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द आ जाएगी ऐसे मुझे लगता है। हाँ, एक अच्छी खबर है, मानवी ने एक बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी के साथ एक डील साइन किया है। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब मानवी भाभी की कैसेट बनेगी? आजकल कैसेट कौन सुनता है, सीडी बनेगी। उसकी सीरीज तो बनेगी, कॉन्सर्ट्स में भी गाएगी, देखते हैं बहुत कुछ होगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है। ये तो आधी अच्छी खबर है। पता है, ये म्यूजिक डील दिलवाने में राहुल भैया का बहुत बड़ा हाथ है। उसी ने दिलवाया मानवी भाभी को। ये अच्छी आवाज़ है उसकी, वैसे तो कोई भी काम दे देता, लेकिन सही पहुँच के साथ काम मिलना आसान हो जाता है। ये देख कर तो मुझे बहुत खुशी हुई आज की। राहुल अभी उसके बारे में सोचता है, उसका ख्याल करता है। संध्या, एक बात बहुत ध्यान से। जी। मानवी भाभी को यह खबर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
ठीक है जी। जब तक ये पूरा संभल ना जाए तुम किसी को ये बात नहीं बताओगी। इतनी नफरत पैदा की मैंने इन दोनों के बीच, लेकिन आज भी एक दूसरे से जुड़े रहने का बहाना ढूंढ लेते। कैसे भी इस कड़ी को काटकर दोनों को दूर करना होगा, वरना सोनाली की बात सच हो जाएगी। क्या बात है संध्या, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं मैडम जी, वो तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो खुद प्रार्थना करती हूँ कि राहुल साहब और मानवी भाभी जल्दी से एक हो जाएं और भाभी को वो घर पे ले आए। पता है मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ पे हो। मैं अपने मन की बात तो शेयर कर सकती हूँ तुम्हारे साथ। थैंक यू संध्या, मैं कमरे में जाती हूँ। बेवकूफ औरत, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि तू अपने सारे सीक्रेट मुझे बताए और मैं इस घर तक आने वाली हर खुशी को ऐसे ही आग लगाती रहूँ।